हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का एक और नए वीडियो के अंदर। आज हम लोग आ चुके हैं भाई अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में, और आज हम अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर ना एक छोटा सा फार्म बनाने जा रहे हैं। और भी चीज़ें बनाएंगे और मैंने बना भी चुका हूँ मैं, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने क्या बनाया है और आगे क्या प्लानिंग है भाई अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में क्या चीज़ें बनाने की। तो सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और आज सबसे पहले तो देखो यार, हमें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक स्टोन फार्म का, क्योंकि आगे जो बिल्ड्स बनने वाले हैं उसके अंदर स्टोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अब आज की इस वीडियो के अंदर जो हम फार्म बनाने वाले हैं उससे अपना स्टोन का काम तो हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले यहाँ से नीचे चलो भाई, देखो स्टोन फार्म बनाने के लिए ना हमें कुछ सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। भाई ये कहाँ से आ गया? अच्छा, शायद से यहाँ पर एक ट्री वगैरह होता है, आपको पता ही है भाई, ट्री वगैरह में जला के साफ करता हूँ तो ऐसे बीच में एक आध बच जाता है, बट कोई बात नहीं। अभी आप लोग देख सकते हो यार, स्टोन फार्म बनाने के लिए ना ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, फालतू में रखा हुआ मैंने। तो हाँ, स्टोन फार्म बनाने के लिए कुछ इतना सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो भाई मैंने सारा का सारा यहाँ पर ना रखा हुआ है। मैं फालतू का सामान रख दिया क्या इसके अंदर मैंने? इसकी तो ज़रूरत भी नहीं थी। हाँ तो गाइस, कुछ इतना सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी आप लोग बस देखते जाओ कि ये फार्म बनता कैसे है, ठीक है? तो फार्म बनाने के लिए भाई सबसे पहले तो मेरे को थोड़ा बहुत ना स्टोन की ज़रूरत पड़ने वाली है, मतलब कोई भी ब्लॉक ले सकते हो आप। तो फटाफट यार इसको बनाना शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ भाई ये कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 7 ब्लॉक रखना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इतना करने के बाद ना आपको यहाँ पर एंड यहाँ पर भी ब्लॉक रखने पड़ेंगे और एक हाइट इसको और बढ़ाना है। तो भाई फटाफट से इसका एक हाइट और बढ़ा देते हैं। ये क्या लगा दिया, इसको हटाओ। या इतना कंप्लीट होने के बाद अभी आपको नीचे भी ब्लॉक्स लगाने हैं कुछ इस तरीके से। बस ध्यान से देखना आप लोग, बहुत सिंपल है बनाना यार, ये फार्म बहुत ज़्यादा इजी है, तो यार इसको आप लोग ना आराम से बना सकते हो। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपको ना यहाँ पर थोड़े बहुत पिस्टन की ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको 4 पिस्टन यहाँ पर चाहिए होगा। तो हमारे पास यहाँ पर 4 पिस्टन पड़ा हुआ है, ये लगा देते हैं और समझो यार अपना काम हो गया। बस नीचे वाला ब्लॉक ना तोड़ना पड़ेगा। वेट भाई, यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, ये बंद करना पड़ेगा यार। ओके नाइस, अब सही है। तो यहाँ पर अगर आप ज़मीन पे बनाओगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी बहुत बेवकूफ़ी कर रहा हूँ ना मैं, दिमाग को ज़्यादा है मेरे पास, तो दिक्कतें तो आएंगी, बट कोई बात नहीं। अभी ये कंप्लीट हो गया, वेट इसको हटा ही देता हूँ मैं, ये लगा देता है। नाइस, अब बढ़िया लग रहा है। तो इतना करने के बाद अभी आपको यहाँ पर ना पानी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया, अभी चारों पिस्टन के अंदर आपको पानी डालना पड़ेगा। तो भाई फटाफट से इसके अंदर पानी भरते हैं। तो गाइस यार इस फार्म को बनाना ना बहुत ज़्यादा इजी है भाई, तुम आराम से बना सकते हो, कोई भी बंदा छोटा बच्चा भी बना सकता है। इतना ज़्यादा इजी है ये फार्म बनाना कि मैं बता ही नहीं सकता, बस देखते जाओ ये वाला वीडियो और बना डालो। गाइस देखो, मैंने चारों पिस्टन के अंदर ना यहाँ पर मस्त करके पानी भर दिए, मतलब इसके ऊपर आपको पानी डालना है कुछ इस तरीके से, और इस चारों पिस्टन के अंदर डालना है। इतना करने के बाद अभी आपको ना ये साइड वाले जो है ना यहाँ पे निकल रहे हैं, इसको बंद करने पड़ेंगे। अभी यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, वेट थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो चुकी है गाइस। अभी आपको यहाँ पर भी ब्लॉक रखना है और कुछ इस तरीके से इसको बंद करना है। पहले इसको बंद कर देते हैं और ऊपर भी ब्लॉक्स लगाने हैं सबसे पहले। यार मैं कर क्या रहा हूँ। नाइस, तो कुछ इस तरीके से ब्लॉक लगाने के बाद ये पीछे वाला एरिया भी है ना, इसको भी आपको पूरा ऐसे करके बंद कर देना है और यहाँ पे लगाने हैं 4 ब्लॉक्स, 1 2 3 4। काम हो गया डन। इतना करने के बाद अभी आपको यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर ना थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स एक्चुअली लगाने थे, बट थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती यार। तो गाइज इतना बनाने के बाद अभी आपको ना इस वाले ब्लॉक के ऊपर, ये ब्लॉक देख रहे हो, यहाँ पर लगाने हैं रेड स्टोन कंपरेटर। तो भाई ये लगा देते हैं फटाफट से। चलो ये भी डन हो गया। अभी मेरे को ना यहाँ पर थोड़े बहुत रेड स्टोन लेने हैं और कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है भाई मस्त करके, और ये हो गया कंप्लीट। अभी बस यहाँ, एक मिनट यार, मैंने बेवकूफ़ी भी तो करी है। एक सामान और यहाँ पर और घटता है, जो कि है एक लीवर, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार एक लीवर बनाते हैं फटाफट से। तो गाइस देखो, हमने यहाँ पर ना एक लीवर भी बना दिया। अभी इस लीवर को ना यहाँ पर लगाना है और इसको चालू नहीं करना है, यहाँ पर एक काम और करना है भाई। ये जो कंपरेटर है ना रेडस्टोन का, इसके ऊपर आपको एक हाथ मारना पड़ेगा। ध्यान रखना ये लाइट जलना चाहिए। अब देखो ये जो लाइट है ना, ये जल चुकी है, और अभी हम लोग इसको अगर ऑन करते हैं तो ये देखो सारे के सारे पिस्टन ना मस्त काम कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है बिल्कुल। तो अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि अभी इसको बंद ही करना है, अभी इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है भाई। थोड़ी बहुत ना यहाँ पर आपको स्टोन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये रहा हमारे पास स्टोन,
और इस स्टोन को ना आपको लगाना है कुछ इस तरीके से, ऐसे करके। तो यहाँ पर ये पूरा भर देना है। तो गाइज इतना करने के बाद ना आपको बनाने पड़ेंगे पूरे के पूरे 4 हॉपर, जो कि मैं दिमाग कुछ ज़्यादा ये ना भाई मेरे पास, मैंने हॉपर तक नहीं बनाया। तो भाई फटाफट से ना यहाँ पर हॉपर बनाते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं 6 हॉपर बना सकता हूँ, लेकिन यार अपने को सिर्फ 4 की ज़रूरत है, तो हम 4 ही बनाएंगे, इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो 4 हॉपर चाहिए होगा। तो फाइनली गाइज यहाँ पर मैंने 4 हॉपर भी बना लिए। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको 2 चेस्ट एक्स्ट्रा बनानी है। आप चाहो तो 4 भी बना सकते हो भाई, आपको जितना ज़्यादा सामान स्टोर करना है उसके हिसाब से। लेकिन भाई 2 चेस्ट बहुत बड़े होते हैं ब्रो, ये देख सकते हो इतना सारा सामान तो आराम से आ जाएगा। तो भाई अभी के लिए तो इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तो यहाँ पर 2 चेस्ट ही काफ़ी है। अभी देखो यार यहाँ पर ना आपको बिल्कुल ध्यान से इस चेस्ट के अंदर कनेक्ट होनी चाहिए जितने भी हॉपर्स हैं, 1 2 3 4। तो अभी ना ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। मुझे अभी थोड़े बहुत ना ब्लॉक्स चाहिए होंगे भाई। सबसे पहले तो ये देखो दिमाग देख रहे हो भाई, भाई का दिमाग देखो, सारा का सारा स्टोन ही रख दिया मैंने जाकर। रुको यार थोड़ा ना मेरे को सो के आना पड़ेगा क्योंकि रात हो चुकी है ब्रो, तो फटाफट से सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, तो यहाँ पर सुबह तो हो चुकी है, मुझे यहाँ से सबसे पहले नीचे जाना होगा और थोड़े बहुत ना ब्लॉक्स और लेने होंगे यार, क्योंकि ब्लॉक्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो मेरा ब्लॉक्स कहाँ पर है, डीप स्लेट चाहिए यार मुझे, थोड़ा बहुत दे दो ब्रो। तो गाइज देख सकते हो यार ये है अपना फर्स्ट घर, जो कि मैंने आज से करीबन 6-7 महीने पहले बनाया था आई थिंक, या फिर बहुत टाइम हो गया यार उसको बनाए हुए। ऐसा करते हैं यहाँ से ना थोड़ा बहुत डीप स्लेट लेना है मेरे को, ये रहा अभी यार, ये रहा नाइस। तो ये रहा अपना डीप स्लेट, अभी मुझे बस इसको ऐसे 4 रखना है और इसको पॉलिश कर देना है, क्योंकि यार पॉलिश मस्त लगता है ना भाई, ऐसे नॉर्मल लगाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना, तो पॉलिश होनी चाहिए हर चीज़। तो अभी हम लोग फटाफट से भाई चलते हैं और इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं। भाई समझो कंप्लीट होने वाला है, ज़्यादा टाइम तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन समझ लो यार कंप्लीट हो गया। अभी बस आपको यहाँ पर ब्लॉक्स लगाने हैं कुछ इस तरीके से, तो फटाफट से लगा देता हूँ मैं, और यहाँ पर भी सारे के सारे ब्लॉक्स को लगा देने हैं इतना करने के बाद। ठीक है इतना आप लोगों ने कर दिया, अभी ये जो 4 ब्लॉक्स बचते हैं ना यहाँ पर आपको लगाने पड़ेंगे ऑब्सीडियन। तुम समझ रहे हो यहाँ पर ऑब्सीडियन लगाना है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है भाई। तो ये 4 ब्लॉक में हम फटाफट से ऑब्सीडियन को लगा देते हैं। अब समझो यार अपना फार्म ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट एक चीज़ तो भाई मैंने लगाना ही भूल गया, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लावा। आपको लावा लेना है ठीक है, और लावा को डालना है बिल्कुल यहाँ पर। ये लावा हम लोग अगर यहाँ पर डाल देंगे तो अपना समझो काम हो गया। एक बात का ध्यान रखना, ये 4 को 4 ब्लॉक्स में ना ये लावा फैलना चाहिए, जो कि फैल चुका है। तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ये परफेक्ट काम करने वाला है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप चाहो तो इसको ऊपर से भी बंद कर सकते हो, तो मैं बंद कर देता हूँ और इधर से भी बंद कर देता हूँ ताकि अपना फार्म बिल्कुल मस्त लगे देखने में, नाइस। तो भाई साहब फाइनली अपना ये जो फार्म है ना ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस भाई प्लीज़ यार काम कर जाइए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ, एक बार में काम कर जाए तो मज़ा आ जाएगा। देखते हैं यार चालू करके, टाइम आ चुका है इसको चेक करने का कि ये काम कर भी रहा है या फिर नहीं। भाई पिस्टन तो चल रहे थे देखो, अभी देखते हैं भाई ये काम कर रहा है, भाई ये काम कर रहा है, लेट्स गो यार। बस मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ ना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता ब्रो। मेरे पास अभी ना आपको यहाँ पर ना सिल्टच है, आपके पास अगर सिल्टच है तो आपको पता है भाई सीधा स्टोन मिल जाता है। मेरे पास यहाँ पर सिल्टच वाली पिकैक्स है, मुझे दिक्कत ही नहीं है ब्रो, मेरे को यहाँ पर सीधा स्टोन मिलने वाला है। तुम समझ रहे हो मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा स्टोन मिलने वाला है, वो भी अनलिमिटेड। लेकिन यार एक चीज़ की यहाँ पर दिक्कत है कि मुझे ना ये जो फार्म है ना ये फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है भाई, यहाँ पर आकर हमको मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाकर हमें सारा का सारा स्टोन मिलने वाला, ये देख सकते हो। वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा, देख सकते हो यार इतनी जल्दी हमने कम से कम नहीं भी तो ऑलमोस्ट 1 स्टैक तो जमा कर ही दिया। अभी 30 सेकंड भी नहीं हुए मेरे को यहाँ पर माइन करते हुए, क्योंकि यार आप देख सकते हो मेरे पास ना यहाँ पर बिल्कुल ख़तरनाक वाली पिकैक्स है जिसके अंदर भाई इफिशियंसी 5 लगा हुआ है। तो भाई इसके अंदर तो बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला मेरे को, इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी स्टोन मिल जा रहे हैं। लेकिन यार अगर आपके पास आयरन वगैरह का पिकैक्स है तो भाई थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ये बात तो है। तो गाइस फाइनली हमने यहाँ पर पूरा का पूरा फार्म कंप्लीट कर दिया है और ये मस्त तरीके से काम भी कर रहा है भाई, जैसा मैं बिल्कुल चाहता था वैसा। एक मिनट, इसकी भैंस की टांग देख रहे हो भाई, इस पोर्शन पे करा बंदे के पास कहाँ से आ रहा है तू, बदतमीजी मत कर, मेरे पास बिल्कुल भी शर्म ही नहीं है भाई, कहीं से भी पहुँच जा रहे हैं मुँह उठा के। दिन के अंदर गोल्ड का आर्मर पहन रखा है भाई, इतनी अमीरी कहाँ से आ रही है इनके पास। भाई देखो यहाँ पर स्टोन की तो कमी अब नहीं होने वाली, बस यहाँ पर ना एक चीज़ की दिक्कत है कि भाई
माइंड करना पड़ेगा, बाकी सब तो बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर आकर ना माइंड करना पड़ेगा, तभी अपने को स्टोन मिलने वाली है। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ये फार्म क्यों बनाया, क्या मजबूरी आ गई मेरी कि ये फार्म बनाना पड़ गया मेरे को। भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं बना क्या रहा हूँ। अभी तो यहाँ से चलते हैं और वो चीज़ के पास चलते हैं जो मैं बना रहा हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा कूल और नेक्स्ट लेवल बनने वाला है भाई। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने वाले हैं भाई, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। देखो तुम लोग वो जो एरिया है ना, देख रहे हो अभी आपको वो दिख रहा होगा, अभी वो इनकम्प्लीट है भाई, अभी कुछ भी नहीं बना है उसके अंदर, समझो 5% भी काम नहीं हुआ, बहुत सारा काम बाकी है। अभी तो बस लिफ्ट कंप्लीट हुआ है उसका, अभी उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगने वाला है ना कि मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन यार धीरे धीरे करके ना उस एरिया को हम लोग बहुत ज़्यादा कूल बनाने वाले हैं, तुम लोग बस देखते जाओ। अभी तो मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ जल्दी से। भाई बहुत हो गया यार, मेरे को ना यहाँ पर एक इलाइट्रा भी लेना पड़ेगा भाई, मैं क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इलाइट्रा आ जाएगा ना तो भाई सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी, मेरे को इतना दूर जाने में दिक्कत हो रही ही नहीं बिल्कुल भी, तुम समझ रहे हो। अभी यहाँ पर एक सोल सैंड लगाना बाकी है भाई, वो हम लगा देंगे, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है फिलहाल के लिए। हम लोग चलते हैं यहाँ से ऊपर, देख रहे हो क्या मस्त वाटर पैकेट करता है तुम्हारा भाई। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मैंने काम शुरू कर दिया है, बस मेरे को चारों तरफ से यहाँ पर थोड़े बहुत ये वुड लगाने हैं, उसके बाद मैं वुड नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यार आपको पता है वुड के अंदर अगर आग लगती है ना भाई तो सब ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर वुड ही लगा रहा था, पता है ये फर्स्ट फार्म बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर मैंने सोचा भाई अगर मैंने इसके अंदर वुड लगाया ना, गलती से भी अगर किसी दिन ने गलती से भी आग लग गया इसके अंदर, तो भाई सारा का सारा अपना मेहनत बर्बाद हो जाएगा एक सेकेंड के अंदर, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए यार यहाँ पर मैं स्टोन लगाने वाला हूँ, और वहाँ पर मैंने स्टोन फार्म बनाया छोटा सा। अब यार देखो बेडरॉक एडिशन के अंदर ना स्टोन फार्म बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऑटोमेटिक स्टोन फार्म बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब यार मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, लेकिन यार मेरे को ना ऑटोमेटिक स्टोन फार्म का कुछ भी नहीं मिला, मैं मजाक भी नहीं कर रहा भाई, इसके अंदर ऑटोमेटिक बनता ही नहीं है ब्रो, वो मैनुअली रहता है। लेकिन मुझे एक तो मिला भाई जो कि हम बना सकते हैं, वो ऑटोमेटिक कहा जा सकता है, मतलब ऑटोमेटिक ही है वो, तो वो बन जाएगा। लेकिन यार उसके अंदर ना हमें हमेशा जाकर TNT डालनी पड़ेगी, बस ये चीज़ की दिक्कत है कि हमें हमेशा उसके अंदर TNT डालनी पड़ेगी, तभी वो वाला फार्म काम करेगा, नहीं तो नहीं करने वाला। तो वो जो स्टोन फार्म है ना वो भी हम बनाएंगे फ्यूचर में ज़रूर, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई उसके अंदर बहुत ज़्यादा TNT की ज़रूरत पड़ने वाली है, और TNT हम बना सकते हैं भाई सिर्फ सिर्फ गन पाउडर से। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पर अपने को गन पाउडर फार्म भी बनाना पड़ेगा। अगले वाले वीडियो के अंदर ना हम यहाँ पर बनाने वाले अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर एक मस्त वाली गन पाउडर फार्म, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बस उम्मीद करता हूँ यार वो गन पाउडर ना मस्त काम करे भाई, बिल्कुल दिक्कत ना आ जाए उसके अंदर, क्योंकि यार बेडरो के अंदर ना फार्म्स बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत सारे फार्म ना काम ही नहीं करते ब्रो, तुम समझ रहे हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क होने वाला है, लेकिन यार तुम्हारा भाई ना बिल्कुल करके दिखाएगा, तुम टेंशन मत लो, बना के दिखाएगा ठीक है, और वो काम भी करेगा मस्त। तो ये सब चीज़ें तो बाद की बात है, लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा था। अभी मैं चारों तरफ से ना ये वुड लगा कर ये कंप्लीट करूँगा, उसके बाद अपना काम होगा भाई स्टोन का। तो बस मुझे अभी एरिया बड़ा करना है यार, तो फटाफट से इसका काम भी करना शुरू करते हैं और इस एरिया को थोड़ा बड़ा करते हैं। मैं सारा का सारा सामान ना अपना लेके आता हूँ, मैंने चेस्ट में डाल दी थी ना भाई, क्योंकि ये फार्म बनाना था, तो वो अब वापस लेके आता हूँ मैं। भाई तुम लोग देखते जाओ, अभी बहुत ज़्यादा कूल चीज़ बनने वाली है। यहाँ पर मैंने सारा का सारा सामान डाला था, ये रहा, ये निकाल लेते हैं, एक क्राफ्टिंग टेबल भी निकाल लेते हैं, बस ये बेड भी निकाल लेता हूँ यार, क्योंकि सोना पड़ता है मेरे को कभी ना कभी। तो फटाफट से भाई वहाँ पे चल के अपना काम धंधा शुरू करते हैं और उस एरिया को बड़ा करते हैं। लेकिन गाइस यार उसके पहले ना एक काम और कर ही लेते हैं भाई, जब हम लोगों ने इतना मेहनत किया है ना, तो क्यों ना यार वहाँ पर सोल्ट सैंड लगाने में क्यों मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, सोल्ट सैंड तो लगा ही देते हैं भाई, ताकि अपने को ईजी हो भाई, बार बार इतना ज़्यादा टाइम ना लगे ऊपर जाने में। बाकी यहाँ पर भी बहुत सारा भाई वुड तो बहुत सारा पड़ा हुआ है यार, मेरे पास काम तो डन हो जाएगा आराम से। मैंने एक बार ही अपने घर में चेक कर लेता हूँ यार, क्या पता यहाँ पर कहीं पर सोल सैंड पड़ा हो तो भाई अपना काम डन हो जाएगा, मेरे को नेदर के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता भाई मेरे पास पड़ा हुआ है, पहले तो यार सो जाते हैं, उसके बाद नेदर के अंदर चलते हैं और लेके आते हैं सोल सैंड। बाकी अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई जल्दी से लाइक वाला बटन दबाओ, और अगर आप लोग बनाने वाले हो ये फार्म अपने वर्ल्ड के अंदर, तो भाई मुझे बताना आपको ये फार्म कैसी लगी। अब ये ऑटोमेटिक तो नहीं है मुझे भी पता है, मेरे को भी भाई मैनुअल काम करना पड़ेगा, लेकिन करना ही पड़ेगा, अब क्या करें भाई, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
लेकिन यार बहुत जल्द बना देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्द यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टोन फार्म भी बनाएंगे, जिसकी वीडियो भी हम ज़रूर बनाएंगे और आपको दिखाऊंगा वो कैसे बनता है। तो उसके लिए भाई सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ओके गाइस, तो फाइनली अपने को यहाँ पर सोल सैंड दिख चुका है, फटाफट से इसको निकालते हैं ब्रो। बस दो इतना काफ़ी है। सोल सैंड का काम तो यहाँ पर डन हो चुका है। मुझे ना यहाँ पर केल्प की भी ज़रूरत पड़ने वाली है लगता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन उसके पहले ये सारा फालतू का सामान ना इसके अंदर डालता हूँ मैं, जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है भाई, बिल्कुल ही कूड़ा है वो, क्यों रखूँ मैं उसको इन्वेंट्री में। ओके तो इस सी के अंदर तो बहुत सारा केल्प है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से फटाफट से निकाल लेते हैं। नाइस, तो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारा केल्प निकाल लिया, इससे ज़्यादा कि मेरे को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो भाई फटाफट से चलते हैं और चल के इसको लगाते हैं वहाँ पर, अपना लिफ्ट को पूरा मस्त बनाते हैं भाई, ताकि हम लोग आराम से अपने छत पे जा सकें। ऑलराइट गाइस, तो ऑलमोस्ट हम लोग अपने लोकेशन पे पहुँचने वाले हैं भाई, देख सकते हो भाई अभी से ये कितना ज़्यादा कूल लग रहा है। सोचो अगर ये पूरा कंप्लीट होगा ना, कितना ज़्यादा ओपी लगने वाला है भाई, तुम समझ रहे हो कितना ही ओपी लगने वाला है, तुम लोग एक बार अंदाज़ा लगा सकते हो भाई। दिमाग देखो भाई, मेरे से ज़्यादा दिमाग किस बंदे का हो सकता है ब्रो, मेरे से ज़्यादा दिमाग किसी का हो ही नहीं सकता, मेरे से लिख के ले लो यार। लिटरली मैंने अपना सोल सैंड वहाँ चेस्ट में रख के आया हूँ मैं, यहाँ पर क्या बंदा हूँ मेरे को खुद ही पता नहीं है भाई। मुझे ये सोल सैंड यहाँ लगाना था, ये क्या हो गया भाई? नहीं यार ये तो कूड़ा हो गया। रुक जा थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, इसको भी निकालना पड़ेगा एंड देन मुझे इसको सही करना पड़ेगा यार, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है ब्रो। नाइस, ये फाइनली फिक्स हो चुका है, मुझे इसके अंदर अभी लगाना है सोल सैंड एंड लगाना है बहुत सारे केल्प, ठीक है। अबे ये केल्प लग क्यों नहीं रहा भाई? दिखते कमी नहीं है भाई, दिखते की कमी नहीं है, तुम देख रहे हो एक बार। मुझे ये सारा का सारा पहले यहाँ लगाना होगा, तो फटाफट से इसको लगाना शुरू करते हैं। डन, तो मैंने बहुत सारे केल्प तो यहाँ पर लगा दिए हैं, मुझे अभी यहाँ से नीचे जाना है। अभी ये कहाँ लगा दी छलांग भाई? इतना आसान नहीं है यार, मेरा वाटर पैकेट फेल हो जाए इतना आसान है, हो ही नहीं सकता है। बढ़िया, मैंने यहाँ पर एक फेंस गेट और बना दिया है, मुझे इसको यहाँ पर लगाना है और अपना काम हो जाएगा। नाइस, अभी यहाँ पर ना हम मस्त अंदर जा सकते हैं और लिफ्ट यहाँ पर अपना मस्त काम करने वाला है भाई, देख सकते हो। नीचे आने की ज़रूरत थोड़ी ना है, नीचे तो हम यहाँ पर भाई इतना बड़ा समुंदर है भाई, सीधा छलांग मार सकते हैं और नीचे पहुँच सकते हैं। नीचे जाने के लिए लिफ्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है ब्रो, सिर्फ ऊपर जाने के लिए काफ़ी है। चलो यार, सारा काम तो डन हो चुका है, मुझे बस इसको अभी एक्सटेंड करना है। तो यार फटाफट से ये काम करना शुरू करते हैं और इसको मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाला, बस बस ऐसा कर दूंगा कि भाई ये जितना बनाया है ना मैंने, ये बिल्कुल परफेक्ट दिखे। उसके बाद तो मैं हर जगह पे स्टोन लगाने वाला हूँ, फालतू चीज़ें बिल्कुल नहीं। आई थिंक इतना काफ़ी है और एक ब्लॉक और लगा देते हैं, क्योंकि यार एक ब्लॉक और नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ये। और इधर भी मेरे को सही करना पड़ेगा, थोड़ा घटिया बना दिया था मैंने भाई, मेरे पास ना सारा का सारा वुड ख़त्म हो गया, नीचे जाकर ना थोड़ा वुड लेके आना पड़ेगा। अभी देखो ये सारा का सारा एरिया ना मेरे को बस ये ओक वाली वुड से फिल करनी है और समझो अपना काम हो जाएगा। अभी आप लोग सोच रहे होगे कि भाई यहाँ पे मैं स्लैब क्यों यूज़ नहीं कर रहा, मैं नहीं करने वाला, बिकॉज भाई स्लैब बेकार होती है ब्रो, उस पर वाटर बैकेट नहीं होती और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है भाई स्लैब के ऊपर, इसलिए मैं यहाँ पे स्लैब का यूज़ नहीं कर रहा भाई। कमी थोड़ी यार, वन ब्लॉक थोड़ी नहीं है, इसके अंदर ब्लॉक्स की कमी नहीं है, हम सीधा पूरा का पूरा ब्लॉक लगाएंगे ताकि दिक्कत ना आए। गाइज़ यूट्यूब के ऊपर ना बहुत कम लोग ही होते हैं जो कि बेडरॉक एडिशन खेलते हैं और इसके अंदर फार्म भी बनाते हैं, तो भाई इसी बात पर ना लाइक वाला बटन दबा देना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यार ऐसे फार्म को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है यार, तो कर दो ना भाई सब्सक्राइब। भाई मेरे को बहुत सारा काम है यार जो कि मैंने किया ही नहीं अभी तक, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ इंसान हूँ, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे लग रहा था भाई मैंने अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में सब कुछ कर दिया है, कुछ नहीं किया है मैंने, अभी मेरे को पता चल रहा है भाई अभी मैं काम सोच रहा हूँ तो काम ही काम मिल रहे हैं भाई। वार्डन भी मारना है, वार्डन के पास भी अभी तक नहीं गया मैं, तुम एक बार सोच के देखो मैं कैसा बंदा हूँ, मेरे को तो खुद विश्वास नहीं हो रहा यार। विदर तक नहीं मारा है भाई अभी तक मैंने, विदर मारना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो यार हम बीकन वगैरह बना सकते हैं, और वो बीकन तो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो, उससे तो लुक आती है सबसे बेस्ट। और गाइस फुल ना डायमंड की बीकन बना के दिखाऊंगा, तुम लोग देखते जाओ भाई। अभी तुमने हल्के में ले लिया ना मेरे को, तुम देखो
डायमंड की बीकर बना के दिखाऊंगा सीधा, नेदरराइट की उम्मीद मत करना भाई। गाइस डायमंड की भी बनाने में ना यहाँ पर बैंड बजने वाली है भाई, नेदरराइट की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन तुम्हारा भाई बना के दिखाएगा। और ये मत सोचना कि भाई मैं क्रिएटिव यूज़ करता हूँ, कई लोग को देखता हूँ ना मेरे को बोलते रहते हैं भाई तूने क्रिएटिव यूज़ करी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ब्रो, मैं क्रिएटिव बिल्कुल यूज़ नहीं करता, मेरे को वो पसंद ही नहीं है। अगर मैं वो एक बार गलती से भी इस किसी भी वर्ल्ड के अंदर मैंने कर दिया ना, उसके अंदर मेरे को खेलने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। मैं सोचता हूँ भाई ये क्या किया है मैंने, क्रिएटिव कर दिया तो भाई फ़ायदा ही क्या खेलने का, ऐसा लगते लगता है मेरे को। तुम समझ रहे हो मेरे दोस्त ने कितनी बार क्रिएटिव कर दिया है, उसके बाद उस वर्ल्ड के अंदर ना मेरे को खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, मैं छोड़ ही देता हूँ समझ लो उस वर्ल्ड में। मैं कितना भी कोशिश करूँ यार चलो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं हो पाता मेरे से, मैं छोड़ ही देता हूँ वर्ल्ड। भाई क्रिएटिव करी हुई चीज़ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और जिन लोग को लगता है यार कि मैं क्रिएटिव करता हूँ ना, तो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैंने क्रिएटिव किया होता मैंने पता है मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े भाई, तुम लोग बोलते रहे तो भाई क्रिएटिव कर रखा है मैंने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैंने क्रिएटिव करी होती तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इस पर क्रिएटिव पे क्लिक करता हूँ ना, ये चीज़ नहीं आती है। अगर मैंने गलती से भी कंटिन्यू कर दिया और दोबारा से अगर क्रिएटिव करने की कोशिश करूँगा, तो ये जो मैसेज अभी आपको दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, और ये ट्रॉफी वगैरह ऑफ हो जाते हैं। ये प्ले स्टेशन में ट्रॉफी होती है भाई, तो अचीवमेंट ट्रॉफी सब खत्म हो जाते हैं, मतलब फ़ोन के अंदर आई थिंक वो अचीवमेंट नाम से आता है, प्ले स्टेशन के अंदर ट्रॉफी नाम से आ रहा है, तो भाई ऐसा होता है। अभी मैं गो बैक कर देता हूँ और देख सकते हो ये मैसेज नहीं आती, बस इतना ही बताना चाहता था मैं। या मैंने आज तक कभी भी क्रिएटिव नहीं करी है, समझ रहे हो ना आप लोग? ठीक है, समझ गया। अब भाई फुल स्पीड में काम कर रहा हूँ मैं बिल्कुल, देख रहा हूँ ऐसा मज़ा आ जाए बंदे को देख के। अभी यार हक दिया थोड़ा, सॉरी। ये क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा गलत हो गया दोस्तों। अबे क्या हो गया मेरे को, ऐसे नहीं भाई। नाइस, इसको कंप्लीट करो यार। जल्दबाजी जल्दबाजी भाई जल्दबाजी। तो गाइस इसके अंदर ना मेरे को एक बाउंड्री और देनी है, जिसके लिए मेरे को बहुत सारा स्टोन की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलो काम धंधा शुरू करते हैं भाई। यार ये बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रहा है ब्रो, ये थोड़ा फास्ट हो जाओ यार। मेरा पिकेक्स इतना फास्ट है कि लिटरली भाई 2 सेकंड में तोड़ दे रहा है, 2 सेकंड भी ज़्यादा बोल दिया मैंने। ऐसा करता हूँ अपने माउस पे ना मैं कुछ रख देता हूँ बटन पे, जिससे मस्त काम होते रहे। मैं उधर से मस्त थोड़ा सा घूम के आता हूँ यार बाहर से, ठीक है ना। और इसको काम कर देते हैं, थोड़ा सा AFK छोड़ देता हूँ। नाइस, अब काम हो रही है भाई, मैंने आज छोड़ दिया है, अब मैं आता हूँ 2 मिनट में। तुम लोग मस्त देखते रहो यहाँ पे, मतलब देखो मत, मैं तो वैसे कट कर दूंगा, बट फिर भी मैं पानी वगैरह पी के आता हूँ। A few moments later. चलो ठीक है यार, आज के लिए ना बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि मुझे भी काम बहुत सारे करने हैं। मैं ऑफलाइन में कर दूंगा यार, क्योंकि अगर मैंने अभी वीडियो बनानी कंटिन्यू करी तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी भाई, तुम लोग सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगले वाले वीडियो के अंदर ना इसका जो प्लेटफॉर्म है वो मैं बड़ा करके रखूंगा भाई, ऑफलाइन के अंदर मैं बहुत ज़्यादा ग्राइंड करूंगा और इसको बड़ा करूंगा बहुत सारे मेरे भाई। सबसे पहले तो अभी मैं जाने वाला हूँ उस फार्म पे, और उस फार्म पे जाने के बाद थोड़े बहुत चेस्ट और लगाऊंगा, उस फार्म को थोड़ा बड़ा करूंगा, मतलब ज़्यादा स्टोरेज बनाऊंगा, ताकि यार ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर स्टोन स्टोर हो सके। उसके बाद मैं 2 घंटे तक गेम AFK भाई छोड़ दूंगा वहाँ पर क्लिक करके अपना माउस, ताकि यार अपने पास बहुत सारा स्टोन आ जाए और मेरे को कोई भी दिक्कत ना हो। बस मुझे एक चीज़ की ध्यान देनी पड़ेगी कि भाई अपना ये सिल्क टच वाली पिकैक्स ना टूट जाए भाई, ये नहीं टूटनी चाहिए। इसके अंदर देख सकते हो भाई कितने सारे एन्चेंटमेंट लगाए हुए हैं, ये टूट गई तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, तो बस इसका ध्यान रखना है। बाकी यार आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको मज़े हो तो भाई प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाना, और गाइज अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो। अगले वाले वीडियो के अंदर भाई बहुत सारा काम है भाई, शुल्कर बॉक्स वगैरह, पता नहीं क्या क्या, एक्साइटमेंट हो रही है बहुत तेज। मुझे तो लग रहा है भाई अगली वीडियो अभी बना डालूँ, लेकिन नहीं, मेरे को काम है और भी, वो भी करनी है, तो कल बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही भाई, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, 2000 की तरफ को बढ़ने वाले हैं ब्रो। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।